नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। TNC की एडवांस सीरीज में मैं उदेश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि TNC एडवांस सीरीज की आज हमारी ये 136वीं क्लास है, और अभी तक हमने TNC एडवांस सीरीज के अंदर OBG, एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटन, आई, ईयर, जी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी, इंटीग्यूमेंट्री, रीनल फेलियर, फंडामेंटल नर्सिंग, कुछ पार्ट न्यूट्रिशन का, कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है दोस्तों वो हमने पढ़ लिया है। और अभी जो सब्जेक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं या जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो अभी जो हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है दोस्तों वो हमारा चल रहा है पीडियाट्रिक नर्सिंग। कल की क्लास में हमने क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में बात की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। बहुत सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों क्लेफ्ट लिप और पैलेट से पूछे जाते हैं, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है दोस्तों उसमें एक और भी इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में बात करेंगे हम, जिसका नाम है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस न्यूट्रिशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज में से क्या है, एक डिजीज़ आती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमारे पास टाइम रहा तो फिर हम फिनाइल क्यूटोन जो यूरिया है दोस्तों उसके बारे में और पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि एन इन्फेंट विद हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज एडमिटेड टू द पीडियाट्रिक यूनिट, व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन पाल्पेटिंग द इन्फेंट्स एब्डोमन। एक बच्चा है दोस्तों, उसको जो डिसऑर्डर है वो कौन सा हो रहा है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रहा है। वो पीड्स वार्ड के अंदर क्या है, एडमिट है, पीडियाट्रिक वार्ड के अंदर एडमिट है। व्हाट डज द नर्स एक्सपेक्ट, नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी व्हेन पाल्पेटिंग द इन्फेंट्स एब्डोमन। मान लो आप पाल्पेशन के लिए जाओ और इन्फेंट के जो एब्डोमन है दोस्तों उसको आप क्या करो, पाल्पेट करो। तो आपको क्या लगता है कि उसके पाल्पेशन पे आपको क्या दिखाई देगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं। जब आप पाल्पेट करोगे तो आपको लगेगा कि जो कोलोन जो है दोस्तों, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, डिस्टेंडेड हो गई है। क्या हो गई है, डिस्टेंडेड हो गई है, अपनी साइज से ज़्यादा बड़ी हो गई है, वाइड हो गई है। दूसरा देखें दोस्तों, मार्क्ड टेंडरनेस अराउंड द अम्बिलिकस, जो अम्बिलिकस है उसके चारों तरफ क्या मिलेगी, टेंडरनेस मिलेगी। अगर आप एब्डोमेन को छूओगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे कोई हार्ड कोई चीज़ हो, तो वो क्या कहलाती है, टेंडरनेस कहलाती है। सॉरी। थर्ड वन इज एन ओलिव साइज्ड मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट। अगर हम चार भागों में बांटें, इधर कर देता हूँ, अगर हम चार भागों में बांटें तो ये हो गया राइट अपर क्वाड्रेंट, ये हो गया राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये हो गया लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, और ये हो गया दोस्तों लेफ्ट अपर हो गया ना, हाँ ये लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। इस प्रकार से हम चार भागों में बांट सकते हैं। तो ये एक ये बता रहे हैं भाई, ओलिव साइज यहाँ पर दिखाई देगा, ओलिव साइज मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट के ऊपर आपको एक ओलिव जितनी साइज होती है उतनी साइज का क्या दिखाई देगा, फील करोगे तो एक मास आपको क्या होगा दोस्तों, फील होगा। फोर्थ क्या देखा है कि रिदमेटिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या वेव्स इन द लोअर एब्डोमन, कि लोअर एब्डोमन के अंदर आपको क्या, जो पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स है दोस्तों रिदमेटिक, वो क्या होती हैं, फील होती हैं किसके अंदर, लोअर एब्डोमन के अंदर। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको बताना है दोस्तों कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो हम बात करेंगे इस आज की हमारी क्लास में हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के बारे में। हाइपर, चलो इसको बाउंड्री खत्म ही कर देता हूँ मैं, हाँ अब सही है, हाइपर ट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। दोस्तों तीन वर्ड हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक जो वर्ड है दोस्तों दैट इज हाइपरट्रोफिक, दूसरा जो वर्ड है दोस्तों दैट इज पाइलोरिक, और तीसरा वर्ड है स्टेनोसिस। हाइपरट्रोफिक का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि किसी भी चीज़ की जो साइज है वो बढ़ जाती है, तो वो जैसे सेल्स दो हैं दोस्तों उनकी अगर साइज क्या हो जाती है दोस्तों, बढ़ जाती है, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, हाइपरट्रोफी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर नंबर बढ़ते हैं तो क्या कहलाता है, प्लेजिया कहलाता है। अगर नंबर से एक सेल से तीन चार सेल हो गए तो ये क्या कहलाएगा, प्लेजिया। लेकिन अगर सिर्फ साइज इंक्रीज होती है तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, हाइपरट्रोफी कहलाता है। अब यहाँ पर जो हाइपर जो ट्रोफी है, ये आपके जो स्टोमक है उसके अंदर पाए जाने वाले सर्कुलर जो मसल फाइबर हैं, कहाँ के, पाइलोरस के, ठीक है, पाइलोरिक जो स्फिंक्टर है उसके सर्कुलर जो मसल फाइबर जो होते हैं, वो सर्कुलर मसल फाइबर में क्या हो जाती है दोस्तों, हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है। आपको पता है जैसे लॉन्गिट्यूडाइनल, ओब्लिक और सर्कुलर, तीन प्रकार के मसल फाइबर पाए जाते हैं, और मेन जो मसल फाइबर जिनके अंदर हाइपरट्रोफी पाई जाती है वो कौन से होते हैं आपके, वो होते हैं आपके कौन से, सर्कुलर मसल फाइबर। तो यहाँ पर हाइपरट्रोफी किसके अंदर होगी, हाइपरट्रोफी ऑफ द, हाइपर ट्रोफी ऑफ द सर्क्यूलर मसल फाइबर, सर्क्यूलर मसल फाइबर
कहाँ के सर्कुलर मसल फाइबर दोस्तों, पाइलोरिक स्पिंक्टर के। तो पाइलोरिक जो वर्ड है इसका मतलब क्या हुआ, पाइलोरिक स्पिंक्टर। उससे होगा क्या, उससे होगा तीसरा टर्म। तीसरा टर्म क्या है दोस्तों, स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब क्या होगा दोस्तों, नैरोविंग। स्टेनोसिस मतलब क्या होगा दोस्तों, नैरोविंग। तो सिंपल सी बात है, ड्यू टू हाइपरट्रोफी ऑफ द सर्कुलर मसल फाइबर। सर्कुलर मसल फाइबर की क्या हुई दोस्तों, हाइपरट्रोफी हुई, जिससे किसके, पाइलोरिक स्पिंक्टर के सर्कुलर मसल फाइबर की क्या हुई, हाइपरट्रोफी हुई, जिससे क्या हुआ दोस्तों, जिससे नैरोविंग हुई, जिससे क्या हुआ, नैरोविंग हुई। नैरोविंग कहां की हुई, नैरोविंग हुई दोस्तों आपके पाइलोरिक स्पिंक्टर की। तो पाइलोरिक स्पिंक्टर के जो सर्कुलर जो मसल फाइबर जो होते हैं दोस्तों, उनकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, जिसके कारण से जो पाइलोरिक जो स्पिंक्टर है उसकी, पाइलोरिक जो स्पिंक्टर है उसकी क्या हो जाती है, नैरोविंग हो जाती है। इस डिजीज को हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम से जानते हैं, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्पिंक्टर के नाम से जानते हैं। अब इसमें कई बार ना क्वेश्चन जो है हाइपरट्रोफी से ओपी गई की बुक में कुछ अलग तरीके से दे रखे हैं। किसके बारे में, हाइपरट्रोफी के बारे में। एक्चुअली में डायरेक्टली हाइपरट्रोफी है एक वर्ड है, वो ठीक है कि भाई हाइपरट्रोफी सीधा क्या हो गया दोस्तों, एक वर्ड हो गया, लेकिन कई बार वो थिकनेस से रिलेटेड क्या है दोस्तों, वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई कितनी हाइपरट्रोफी होगी। तो उसमें दोस्तों दोनों चीज़ों के बारे में लिख रखा है कि जो पाइलोरिक जो स्पिंक्टर के सर्कुलर मसल फाइबर है उनकी अगर थिकनेस जो है वो 4 mm से ज़्यादा हो जाए, थिकनेस जो है वो 4 mm से क्या हो जाए दोस्तों, ज़्यादा हो जाए, और जो लेंथ है वो 16 mm से ज़्यादा हो जाए। जो लेंथ है दोस्तों वो 16 mm से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, पाइलोरिक स्पिंक्टर की हाइपरट्रोफी के नाम से जानेंगे। तो ये सीधा तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि भाई हाइपरट्रोफी पाइलोरिक स्पिंक्टरोफी में, सॉरी हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है, ऐसे तो आएगा नहीं भाई। उसके अंदर हाइपरट्रोफी होती है, हाइपोट्रोफी होती है, हाइपरप्लेजिया होता है, हाइपरप्लेजिया होता है, ऐसे तो ऑप्शन आएंगे नहीं। तो उसमें अंदर आएगा कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर जो थिकनेस है वो इंक्रीज होती है, मोर देन 4 mm, मोर देन 5 mm, मोर देन 6 mm, मोर देन 8 mm। ऐसे लेंथ के भी रिलेटेड आ सकता है कि मोर देन 10 mm, मोर देन 12 mm, मोर देन 16 mm एंड मोर देन 20 mm। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो थिकनेस है वो मोर देन 4 mm आएगी, और जो लेंथ है दोस्तों वो मोर देन क्या आएगी, 60 mm लेंथ आएगी। एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि अगर हम ऐसे डिसऑर्डर की बात करें जिनका जो ट्रीटमेंट है सिर्फ क्या है, सर्जरी, तो उसके अंदर GI ट्रैक्ट के मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर के अंदर हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस आता है। किसके अंदर, इन्फेंट के अंदर। तो इट इज मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर। सर्जिकल डिसऑर्डर है किस चीज़ का, ऑफ GI ट्रैक्ट। GI ट्रैक्ट के जितने भी जो डिसऑर्डर हैं उनमें अगर हम मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर देखें, जिस जो सर्जिकल डिसऑर्डर है इन्फेंट्स के अंदर, इनके अंदर दोस्तों इन्फेंट के अंदर, तो वो कौन सा होगा आपका, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस होगा, दैट इज हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर ऑफ GI ट्रैक्ट इन इन्फेंट। ऑप्शन ए हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, ऑप्शन बी हर स्प्रिंग डिजीज, ऑप्शन जो सी है दोस्तों क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट, और ऑप्शन डी इसके अंदर और कुछ भी, जैसे कुछ भी वो दे दे, तो 4 ऑप्शन वो आपको दे सकता है। तो ध्यान रखना है कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज द मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर ऑफ GI ट्रैक्ट इन इन्फेंट, ठीक है। इसको आपको क्या रखना है दोस्तों, याद रखना है, इसको आपको याद रखना है। अब एक चीज और ध्यान रखना कि ये जो डिसऑर्डर है दोस्तों ये बॉयज के अंदर बहुत ज्यादा है, एज कंपेयर टू अगर हम गर्ल्स देखें तो उन बॉयज के अंदर ये बहुत ज्यादा होता है। तो मोर कॉमन इन बॉयज के अंदर ज्यादा होता है। अब ज्यादा का मतलब दोस्तों इतना ज्यादा नहीं, इतना मतलब कि नहीं भाई 1 गुना 2 गुना होना तो कोई ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये 4 से 6 गुना ज्यादा होता है, 4 to 6 times मोर, 4 से 6 गुना ये डिसऑर्डर क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा हो गया। दूसरी बात, ये डिसऑर्डर दोस्तों, एक क्वेश्चन और बनता है ध्यान रखना कि ये एक पॉलीजेनिक डिसऑर्डर है, दिस इज ए पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, मतलब कि एक जीन के कारण नहीं होता, कई सारे जो जीन है दोस्तों वो इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक क्या हो गया दोस्तों, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर हो गया। तो क्या पढ़ा हमने, सिंपल से हमने 3 चीज़ें पढ़ी कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में सर्कुलर मसल फाइबर जो है उनकी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है, कहाँ की, पाइलोरिक स्पिंक्टर की, उससे क्या हो जाती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या हो जाता है दोस्तों, स्पिंक्टर क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो
कि ये देखो वाइड है और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये बिल्कुल आपको क्या दिख रहा है, नैरो दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर कर लेता हूँ, ये वाला जो एरिया है दिस वन ये बिल्कुल नैरो है, यहाँ पे कोई ओपनिंग नहीं है, यहाँ पर कोई ओपनिंग नहीं है। तो जब इसके अंदर हम सर्जरी करते हैं तो दोस्तों इसको क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। राम स्टीड्स जो प्रोसीजर है मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, पाइलोरोमायोटोमी, तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, ओपनिंग करते हैं। यहाँ पर भी, इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल बहुत कम जगह है, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर स्टेनोसिस है। ठीक है, तो पाइलोरिक जो स्टेनोसिस है दोस्तों वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इसके बाद में हमने क्या पढ़ा, इसके बाद में हाइपरट्रॉफी में दो, याद रखने, 4×4 और 4×16, 4 mm थिकनेस और 16 mm क्या होती है दोस्तों, लेंथ होती है। इसके बाद में क्या पढ़ा कि भाई मोस्ट कॉमन सर्जिकल डिसऑर्डर है किसका, जीआई ट्रैक्ट का, किस में, इन्फेंट्स के अंदर, बॉयज़ के अंदर गर्ल्स की तुलना में ज़्यादा होता है, ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा होता है, 4 से 6 गुना होता है। और दोस्तों एक क्या होता है, ये पॉलीजेनिक होता है, दिस इज पॉलीजेनिक। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों इसमें, वो आते हैं आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड ज़्यादातर ये जो डिसऑर्डर है दोस्तों कि जन्म के समय जो सिम्टम्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स आर नोट प्रजेंट एट बर्थ, क्योंकि ज़्यादातर जो न्यूट्रिशन वो मदर से डायरेक्ट प्लासेंटा के थ्रू मिल जाता है, तो इसलिए जो सिम्टम्स है दोस्तों वो आने आते नहीं है। ठीक है, जन्म के समय वो सिम्टम्स नहीं आते। ज़्यादातर जो यूजुअली जो सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो थर्ड वीक पे होते हैं, कुछ बच्चों के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में हो जाते हैं, लेकिन बहुत कम 20% ऐसे बच्चे होते हैं जिनके अंदर जो सिम्टम है वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में आते हैं। लेकिन यूजुअली जो सिम्टम्स जो आएंगे इस डिसऑर्डर के दोस्तों वो कौन से आते हैं, यूजुअली ये जो सिम्टम्स जो आते हैं दोस्तों वो थर्ड वीक ऑफ लाइफ में। और दूसरा, कई ऐसे भी बच्चे होते हैं दोस्तों जिनके अंदर बहुत लेट सिम्टम आते हैं, लगभग 5वें मंथ तक जाकर, फिफ्थ मंथ ऑफ लाइफ। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ना याद करो तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि यूजुअली थर्ड वीक ऑफ लाइफ में आते हैं और जन्म के समय प्रेजेंट नहीं होते, बस इतना याद रख लोगे तो भी क्या हो जाएगा दोस्तों, काम चल जाएगा। लेकिन स्टेनोसिस जो डेवलप होती है दोस्तों वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ही हो जाती है। स्टेनोसिस का डायरेक्टली है कि कब डेवलप होती है, तो दिस डेवलप इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। सिम्टम्स आने में थोड़ा सा स्टेनोसिस के टाइम लगता है, लेकिन जो डेवलप जो हो रही है दोस्तों वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में ही हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ कुछ नहीं है, स्टेनोसिस फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन आएगा नहीं, क्वेश्चन जो मेन दोस्तों जो पूछा जाता है ना, क्वेश्चन जो मेन पूछा जाता है वो क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कम आते हैं। सबसे मेन पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों जो इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, चलो आगे अगले लिख देता हूँ कौन सा, ये पहला, चलो पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मान लो इसको मेन। सबसे मेन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दोस्तों जो इसमें क्वेश्चन आता है, दैट इज वोमिटिंग। पहला जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछते हैं दोस्तों वो वोमिटिंग से रिलेटेड आता है। वोमिटिंग ज़्यादातर जो होती है दोस्तों थर्ड वीक ऑफ एज, जो बच्चे की एज है उसके बाद में ज़्यादा बच्चे को क्या होती है दोस्तों, ये वोमिटिंग होती है पहली चीज़। ठीक है, आफ्टर 3 वीक ऑफ एज वोमिटिंग क्या होती है, स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं जन्म के समय वोमिटिंग प्रेजेंट नहीं होती ज़्यादातर। लेकिन मेन जो क्वेश्चन जो आता है दोस्तों वो आता है एक सेंटेंस, एक ये जो सेंटेंस इतना इंपॉर्टेंट है जिससे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछते हैं। क्वेश्चन आएगा दोस्तों, प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलस, ठीक है, जो वोमिटिंग जो होती है वो नॉन बाइलस होती है, अभी समझा दूंगा मैं क्यों होती है। ठीक है, नॉन बाइलस वोमिटिंग, ये जो टर्म है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और ये ही ज्यादातर एग्जाम में है ना दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पहली बात है वोमिटिंग है प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जो वोमिटिंग होगी ना वो फोर्सफुली होती है, ऐसे होता है एकदम से, जैसे दूर से कोई चीज़ जाके गिरती है ना, जैसे कोई भी पर्सन है वो वोमिटिंग करता है, क्या बना दिया मैंने, मुझे खुद कोई नहीं समझ में आ रहा, इधर बना, जैसे कोई भी पर्सन दोस्तों वोमिटिंग करे तो वो वोमिटिंग फोर्सफुली होती है और थोड़ी सी दूर जाके गिरती है। ठीक है, तो इस प्रकार की वोमिटिंग हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, प्रोजेक्टाइल के नाम से जानते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो स्टेनोसिस है वो हम जानते हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर में है, और जब कभी भी जो स्टेनोसिस है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर के अंदर होगी ना, तो बाइल तो प्रेजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि जो बाइल जो है दोस्तों वो कहाँ पे आता है, ड्यूडिनम के अंदर आता है।
तो ड्यूडिनम से पहले ही क्या हो गई दोस्तों, स्टेनोसिस हो गई। अब अगर ड्यूडिनम से पहले ही स्टेनोसिस हो जाए तो उसके कारण क्या होगा कि जो वोमिटिंग जो होगी वो कौन से टाइप की होगी दोस्तों, नॉन बाइलस टाइप की होगी। ठीक है, एक बुक में इसको इनिशियल सिम्टम भी लिखा गया है कि स्टार्टिंग के अंदर जो सिम्टम है दोस्तों उसके अंदर ये क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो ये भी लिख लो आप, दिस इज ए इनिशियल सिम्टम, स्टार्टिंग के अंदर ये सिम्टम आ जाता है दोस्तों, तो इनिशियल सिम्टम ही, दिस इज इनिशियल सिम्टम। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे आपको मौसम में मिलेगा इसमें कि भाई जो बच्चा है उसका अगर आपको वॉमिटिंग रोकनी है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में तो उसको आप क्या करोगे, तो दोस्तों उसको वहां पर दे रखा है कि भाई स्पेशल प्रकार की जो जो बच्चे की टेबल सी होती है, मतलब ऐसे मान लो कि बच्चे को किस प्रकार सीट, हाँ एक सीट होती है उसमें रखते हैं, इन्फेंट सीट बोला है उन्होंने इसे, लेकिन उसको समझा देता हूँ मैं। इन्फेंट सीट का मतलब यहाँ पर दोस्तों ये है कि जो बच्चा है ना उसको इन्फेंट सीट में रखेंगे जिससे कि वोमिटिंग के चांस कम होंगे। अब यहाँ पर इन्फेंट सीट से कुछ नहीं समझना आपको, मतलब बच्चा इस पोजीशन में रहेगा, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ना इस प्रकार से रहेगा, तो इस अपराइट पोजीशन के अंदर दोस्तों जो वोमिटिंग के चांसेस हैं वो क्या होंगे, कम होंगे। एक तो बच्चा लेटा हुआ रहेगा तो वोमिटिंग के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा। जागा हुआ रहता है, जगा हुआ रहता है तभी भी क्या रहते हैं, वोमिटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो उन्होंने बस इस वर्ड को लिख दिया भाई इन्फेंट सीट, इन्फेंट सीट का मतलब बच्चे को ऐसे बांध के रखते हैं ना भाई, यहाँ पर ऐसे वो लगा के बच्चा गिरे नहीं तो इस पोजीशन में रहेगा वो, तो ये अपराइट पोजीशन हो गई। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि वोमिटिंग के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना कि आगे क्वेश्चन आएगा ये कि इन्फेंट सीट में रखेंगे बच्चे को या फिर हम कौन सी पोजीशन देंगे, अपराइट पोजीशन देंगे, ताकि उसके वोमिटिंग के जो चांसेस है दोस्तों वो क्या होंगे, कम होंगे। एक दोस्तों देखो आप सीधी सी बात है कि भाई इसको क्या हुई, वोमिटिंग हुई। अब इसको अगर वोमिटिंग हुई है तो किस किस चीज़ की कमी होगी, हम जानते हैं दोस्तों कि वोमिटिंग होती है ना तो मेनली यहाँ पर दो चीज़ें कम होंगी, एक तो हाइड्रोजन आयंस कम होंगे और एक यहाँ पर कम होगा दोस्तों क्लोराइड। ठीक है, वैसे पोटेशियम भी कम होता है लेकिन जो मेन जो चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर जो देखने को मिलती है, हाइड्रोजन आयंस कभी भी कम होंगे दोस्तों तो हम जानते हैं कि एसिड अगर बॉडी से बाहर जाता है तो क्या होता है, एल्कलोसिस होता है। तो क्या दिखाई देगा, मेटाबोलिक एल्कलोसिस दिखाई देगा। वैसे पोटेशियम भी कम हो जाता है ना, पोटेशियम तो सब में ही कम होता है, पूरे जेट रेट के अंदर कहीं भी वोमिटिंग डायरिया कुछ भी हो आप पोटेशियम को कम कर सकते हो। क्लोराइड है दोस्तों वो भी कम होता है, तो ये थोड़ा सा हम क्या कम सुनते हैं लेकिन फिर आप भी आपको ध्यान रखना भाई क्लोराइड कम होता है, तो क्लोराइड कम होना कहलाता है हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोक्लोरेमिक। तो कौन सी कंडीशन डेवलप होती है बच्चे के अंदर, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस की जो कंडीशन है दोस्तों वो क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है, हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएगा कि भाई हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर कौन सा फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या लिखोगे आप, या एसिड बेस इंबैलेंस देखने को मिलेगा, तो हाइपोक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है दोस्तों इसके अंदर देखने को मिलता है। अब जब कोई भी फूड है दोस्तों वो आगे नहीं जा रहा, ठीक है, फूड जो है वो बहुत कम मात्रा में जा रहा है, तो सीधी सी बात ये है जब फूड ही नहीं जा रहा दोस्तों तो कॉन्स्टिपेशन होगा भाई, स्टूल कहाँ से बनेगा, स्टूल के लिए तो फूड चाहिए ना आगे, अब स्टूल तो तब बने जब फूड चाहिए, फूड है नहीं, तो फूड नहीं है तो क्या होगा दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। दूसरा क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो ये सोचने की चीज़ें हैं, याद करने की जरूरत नहीं है भाई, बच्चे को जब अच्छे से फूड नहीं मिल पाएगा तो सिंपल सी बात है दोस्तों बच्चे के अंदर क्या डेवलप होगा, माल न्यूट्रिशन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन तो हो ही नहीं रहा, फूड स्टोमक थोड़ी सब कुछ कर देगा, पूरा डाइजेशन स्टोमक में थोड़ी हो जाता है, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। एक क्या होगा दोस्तों, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो डिहाइड्रेशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का इम्बेलेंस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, एक जो बच्चा है ना दोस्तों उसको पेन भी होता है इसके अंदर, तो वो पूछ लेते हैं भाई किस प्रकार का पेन होता है, तो उसको कोलिक पेन बोलते हैं, तो कोलिक की जो पेन है ना दोस्तों वो देखने को मिलता है बच्चे को। अगर पेन होता है तो कौन से प्रकार का होता है दोस्तों, कोलिक की पेन देखने को मिलता है। अब बच्चे को खाना जो है वो आगे जा ही नहीं रहा, तो बच्चे की जो भूख है दोस्तों वो शांत नहीं हो पाएगी। अब जब बच्चे की भूख शांत नहीं होगी दोस्तों तो उसको क्या होगा, हंगर होगा और बार बार रोएगा वो, तो हंगर एंड इरिटेबिलिटी भी देखने को मिलेगी, हंगर एंड इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो ये सारे ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सोचने के हैं, ये सिम्टम्स मैंने एक जगह इसलिए लिखे हैं कि इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कोई आपको याद करने की जरूरत है, रटने की जरूरत है। चलो ये आप याद करो कि प्रोजेक्टाइल नॉन वायरस वोमिटिंग होगी, ये ठीक है, ठीक है, लेकिन ये सारी जो चीज़ें दोस्तों इनको याद नहीं करना भाई, कॉन्स्टिपेशन होगा ही होगा, सीधी बात है, फूड जब पूरे जेड रेट में जा ही नहीं रहा तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलेगा, कोलिक पेन, ये इसको आप याद कर सकते हो, तो इसको हाईलाइट कर दिया, और हंगर और इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, भूख लगेगी जब बच्चे का जो फूड है उसका डाइजेशन नहीं हो रहा तो भूख लगेगी। अब नेक्स्ट जो है दोस्तों,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वॉमिटिंग के बाद में यहाँ पर मैंने बस कोलिक पेन को जरूर हाईलाइट किया है और किसी को हाईलाइट मैंने नहीं कर रखा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि यहाँ पर एक मास फील होता है। क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, क्वेश्चन सीधा सा ऐसा लिखा हुआ सकता है कि पाल्पेबल मास दिखाई देगा कौन से एरिया में, एपिगैस्ट्रियम में, ऐसे लिखेगा वो कि एपिगैस्ट्रियम जो एरिया है दोस्तों उसके अंदर हम फील करेंगे तो पाल्पेबल मास कितना, तो थोड़ा सा हार्ड ओलिव सेव जितना, ओलिव कितनी शेप होती है बस उतना, फेम ओलिव शेप या साइज लिखा हुआ सकता है, ओलिव साइज या शेप भी लिखा हुआ सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, शेप, ठीक है। कहाँ होता है मेनली, क्या तो एपिगैस्ट्रियम लिखा हुआ आएगा या एपिगैस्ट्रियम नहीं लिखा आएगा दोस्तों, तो राइट अपर क्वाड्रेंट लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा आएगा, राइट अपर क्वाड्रेंट। तो पाल्पेबल मास फील होता है कहाँ पे, एपिगैस्ट्रियम के अंदर। कैसा होता है दोस्तों, इसकी साइज कितनी होती है, तो ओलिव की जितनी जो साइज होती है दोस्तों उतनी क्या होती है, इसकी साइज होती है। कहाँ होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर ये होता है, कहाँ होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। किसी भी वे में आ सकता है, ऐसा लिखा हो सकता है कि भाई पाल्पेशन अगर आप करोगे, पाल्पेट करोगे एब्डोमेन को तो क्या फील होगा, कहाँ पर हो सकता है, ये आ सकता है, या किसकी जैसी साइज होती है, तो ओलिव जितनी साइज होती है, ठीक है। एक जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें जो कन्फ्यूजिंग है, जो अभी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो मैं फिर भी मैं बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं कहाँ पर क्या क्वेश्चन आ जाए। तो दोस्तों एक्चुअली में जब बच्चा है ना, जैसे ही खाना खाएगा, खाना खाने के बाद में उसके यहाँ पर फूड जब आगे नहीं जाता तो पूरे एब्डोमेन में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट है या पेरिस्टाल्टिक जो वेव्स जो है ना वो फील सी होती है, हमें से दिखाई सी देती है कि भाई ये पेरिस्टाल्टिक क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो इसको बोलते हैं विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक वेव्स। लेकिन ये चारों एब्डोमेन के चारों तरफ, ऐसे एक एरिया में नहीं बता सकते भाई लोअर एब्डोमेन में होता है अपर एब्डोमेन में होता है, नहीं, जो एब्डोमेन है दोस्तों उसमें पूरे एब्डोमेन के चारों तरफ हमें पेरिस्टाल्टिक जो वेव जो वो फील सी होती है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि विजिबल, क्योंकि पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो ना, क्वेश्चन कैसे भी आए आप घबराओ नहीं, ठीक है। गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक वेव्स, विजिबल गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्टिक वेव्स एक्रॉस द एब्डोमन, एक्रॉस द एब्डोमन क्या होती है, फील होती है, या कई बार ऐसे लिखा हो सकता है हाइपर पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्टोमक, ठीक है, ये भी थोड़ा सा क्या रख लेना दोस्तों, ध्यान रख लेना, या ऐसा भी लिखा सकते हैं हाइपर पेरिस्टाल्सिस ऑफ स्टोमक भी लिखा हुआ आ सकता है, हाइपर पेरिस्टाल्सिस ऑफ जो स्टोमक है दोस्तों वो भी क्या हो सकता है, आपको फील हो सकता है। बस एक चीज जरूर ध्यान रखना कि भाई ये दे कहाँ रखा है, तो ये राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर दे रखा है, बस आपको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा और पढ़ के इसको खत्म करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हो सकता है कि वो डायरेक्टली आपको ऐसे लिखे कि भाई पाइलोरोटोमी लिख सकता है, कि भाई सर्जरी कौन सी करते हैं, तो पाइलोरोटोमी लिख सकता है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि पाइलोरोटोमी में हम एक इंसिजन बनाते हैं, यहाँ पे पहले कट बनाते हैं, और कट बनाकर इसको क्या किया जाता है, डायलेट किया जाता है, जो क्लोज है ये, इस क्लोज को क्या करते हैं दोस्तों, डायलेट करते हैं। तो इस सर्जरी को पाइलोरोटोमी नहीं, पाइलोरोमायोटोमी लिखो, क्योंकि मसल्स हैं, मसल्स इंक्लूड होती है ना, सर्कुलर मसल फाइबर इंक्लूड होते हैं, तो इसको पाइलोरोमायोटोमी लिखो आप, पाइलोरोमायोटोमी, या कई बार इसको पाइलोरोमायोटोमी नहीं लिखेगा वो, ये जो प्रोसीजर है दोस्तों ये राम स्ट्रीट ने दिया था, तो उनके नाम के ऊपर ये प्रोसीजर है, तो इसको कई बार वैसे भी लिख सकता है कि राम स्ट्रीट प्रोसीजर, राम स्ट्रीट प्रोसीजर, तो वो किसी भी वे में लिख सकता है, पाइलोरोमायोटोमी भी लिख सकता है, या फिर क्या लिख सकता है दोस्तों, राम स्ट्रीट जो प्रोसीजर है वो भी लिख सकता है, तो आपको डब्ल्यू डब्ल्यू। आजकल एक प्रोसीजर और यूज करते हैं दोस्तों, उसका नाम है कि हम एंडोस्कोपी का यूज करके और बैलून डाल के क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन, एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन, ठीक है, मायो ही आएगा यहाँ पर पक्का है, क्योंकि मसल्स जो सर्कुलर मसल फाइबर है उनको वो करते हैं, डायलेट करते हैं ना, तो मायो आएगा, पाइलोरोटोमी नहीं आएगा, पाइलोरोमायोटोमी आएगा, क्योंकि टोमी आएगा तो कट ही कर देंगे, ठीक है, वहाँ पर ओपनिंग बना के, ओटोमी है मान लो, तो मायोटोमी आएगा। एंडोस्कोपिक बैलून जो डायलेशन है, इसको भी एक बार नाम याद रखते हैं ना, एंडोस्कोपिक प्रोसीजर का यूज करके हम क्या कर देते हैं, इसको वो कर देते हैं कि भाई मतलब डायलेट कर देते हैं, ठीक है, बैलून का यूज करके क्या कर देते हैं, उसको डायलेट कर देते हैं, तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड भी वो आपसे पूछ लेते हैं, थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखें। अब एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, तो नर्सिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। नर्सिंग मैनेजमेंट में पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मॉनिटरिंग,
इसमें इतनी चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती हैं कि आप सोचोगे कि क्या एक क्वेश्चन आगे आएगा कि भाई पेशेंट जो है वो ऑपरेशन से आया तो पोस्ट ऑपरेटिव आप क्या क्या मॉनिटर करोगे। तो आप ये देखोगे कि दोस्तों आईवी साइड जो है वो सही तरह से उसमें फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि आईवी जो फ्लो है मतलब पेशेंट को कुछ घंटों के लिए भी अगर आप एनपीओ रखते हो तो जो आईवी साइट है दोस्तों उसको चेक करना क्या है ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों ऐसे पेशेंट के अंदर हम वोमिटिंग को क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या है वोमिटिंग जो है वो बार बार हो रही है मेनली, तो जो वोमिटिंग है दोस्तों उसके जो एपिसोड्स हैं उनको क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे कितनी बार हो रही है। स्टूल होता ही नहीं है तो उसको भी मॉनिटर करना जरूरी है कि भाई हुआ भी है या नहीं हो रहा, स्टूल पास हो रहा है या नहीं हो रहा। पेशेंट जो है दोस्तों माल न्यूट्रिशन में जा रहा है तो माल न्यूट्रिशन में जा रहा है तो पेशेंट का हम क्या देखेंगे डेली वेट भी देखेंगे, पेशेंट का डेली वेट भी हमें चेक करना क्या है जरूरी है। अब पेशेंट कुछ खा पी नहीं रहा तो पेशेंट किस में जाएगा दोस्तों डिहाइड्रेशन में जाएगा, तो पेशेंट का जो हाइड्रेशन लेवल है वो भी हम चेक करेंगे। पेशेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में जा रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस है दोस्तों उसको भी क्या करना जरूरी है चेक करना जरूरी है। पेशेंट के अंदर एब्डोमिनल क्या दिखाई देता है दोस्तों डिस्टेंशन दिखाई देता है तो एब्डोमिनल जो डिस्टेंशन है उसको भी हम क्या करेंगे चेक करेंगे एब्डोमिनल डिस्टेंशन को भी हम क्या करेंगे चेक करेंगे। तो कई सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पे असेस कर रहे हैं। तो आई वी साइट, वोमिटिंग कितनी बार हुआ है, स्टूल, डेली वेट, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, तो इन सब चीज़ों को क्या करना है दोस्तों आपको वो करना है। और एक इनटेक आउटपुट सबसे इंपॉर्टेंट कि कितना लिया और कितना बाहर जा रहा है दोस्तों, तो इनटेक जो आउटपुट है उसको भी मॉनिटर करना क्या होता है जरूरी होता है। तो इन सब चीज़ों का आप बीइंग इन नर्स आपकी क्या है दोस्तों रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन सब चीज़ों को क्या करोगे मॉनिटर करोगे, ठीक है। चलो अब वापस से हम हमारे क्वेश्चन के ऊपर लौट के आ जाते हैं और बाकी के जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो क्वेश्चन वाइज करवा दूंगा मैं आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे करवा दूंगा। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, पहला दे रखा है एक डिस्टेंडेड कोलोन, तो ये दिखाई नहीं देता है कहीं भी, मैंने आपको पढ़ाया नर्सिंग मैनेजमेंट में डिस्टेंडेड कोलोन। मार्ड टेंडरनेस अराउंड द अम्बिलिकस, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों कि जो अम्बिलिकस है उसके चारों तरफ कोई भी टेंडरनेस दिखाई देती है, तो ऐसा नहीं होता, तो ये भी गलत है। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे लिखा है ओलिव साइज्ड मास इन राइट अपर क्वाड्रेंट, मैंने आपको ऐसे कैसे लिखाया है कि भाई हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के अंदर ओलिव साइज्ड क्या दिखाई देती है दोस्तों मास दिखाई देता है कहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट में, बोलो मैंने ऐसे कैसे लिखा है नहीं लिखा है। अब आपको सर थोड़ा बहुत ये जरूर कंफ्यूजिंग है कि रिदमेटिक पेरिस्टाल्टिक वेव इन द लोअर एब्डोमन नहीं लिखा है मैंने आपको, एक तो रिदमेटिक नहीं लिखा है, दूसरा पेरिस्टाल्टिक वेव होती हैं लेकिन अराउंड द एब्डोमन होती हैं, ठीक है, लोअर एब्डोमन नहीं होती कि भाई लोअर एब्डोमन में, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो बेस्ट जो अगर चुनना हो तो हमेशा यही चुनेंगे, अगर ये बिल्कुल सही भी लिखा हुआ होता ना तो भी अपने को थर्ड ही चुनना पड़ता, ठीक है, थर्ड ही चुनते क्योंकि ये एक स्पेसिफिक साइन है इसका, ये क्या है दोस्तों एक स्पेसिफिक साइन है, तो इसका आंसर वहाँ पर भी हम यही चुनते। तो लिख लो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में राइट अपर क्वाड्रेंट में राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन सा मास दिखाई देता है ओलिव साइज, ठीक है, तो ओलिव साइज्ड मास पालपेबल होता है, ये क्या कर सकते हैं दोस्तों पालपेट कर सकते हैं, ओलिव साइज जो मास उसको हम क्या कर सकते हैं पालपेट कर सकते हैं, ठीक है, बस इतना सा याद रख लो बहुत है। एक चाहो तो इसमें जोड़ लेना कि भाई वॉमिटिंग होती है कैसी प्रोजेक्टाइल, क्योंकि दो साइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, और चाहे याद करो मत करो लेकिन ये दो साइन जरूर याद करना, नॉन बाइलस वॉमिटिंग, मैं कह रहा हूँ कि और चीज साइन मत याद करो लेकिन ये जो साइन है ना दोस्तों ये तो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा दोस्तों कि ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद ए टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, एक नर्स केयर कर रही है एक इन्फेंट की, क्या है उसको टेंटेटिव डायग्नोसिस है किसका हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस। अब देखो इसमें जो आंसर होगा ना वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा कि भाई इन चारों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पहला देखा क्वालिटी ऑफ द केयर, सॉरी क्राई, क्वालिटी ऑफ द क्राई, सेकंड देखा साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, थर्ड देखा कफिंग अप ऑफ फीडिंग्स,
करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोन। भाई आपको अगर कोई पेशेंट है उसको हाइपरट्रोफिक पाइलोस्टेनोसिस, आपको चार चीज़ों में से एक चीज़ असेस करना हो कि भाई क्राई असेस करना हो, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन असेस करना हो, फीडिंग करने पर वो कफिंग करने लग जाता है वो असेस करना हो, या जो स्टूल है उसका क्या करेक्टरिस्टिक्स है। तो दोस्तों मैंने कहीं भी आपको भाई स्पेसिफिक प्रकार का कोई स्टूल है वो दिखाया नहीं, मैंने तो आपको ये और लिखा है कि इस डिजीज के अंदर क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। तो मैंने तो आपको कॉन्स्टिपेशन लिखाया है तो ये नहीं होगा। फीडिंग पे कफिंग नहीं होता, इसके जगह क्या होता है दोस्तों? वोमिटिंग होती है। कौन सी वोमिटिंग होती है? प्रोजेक्टाइल नॉन बाइलस वोमिटिंग। प्रोजेक्टाइल बार बार याद करा रहा हूँ आपको, ठीक है? अब गलती मत करना भाई। नॉन बाइलस वोमिटिंग प्रोजेक्टाइल। क्वालिटी ऑफ क्राई, क्राई है ना कई रीजन से हो सकता है। क्राई में आपको एक रीजन नहीं दे सकते कि भाई ये बस ये रीजन है इसलिए बच्चा रो रहा है और आप इसे मैं पहचान लूंगा कि ये वाला जो क्राई है ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? ऐसा नहीं हो सकता कि भाई हम सीधा एक क्राई से पहचान लें। तो डिहाइड्रेशन जो है ना दोस्तों वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे पेशेंट के अंदर क्या होती है दोस्तों? वोमिटिंग होती है। और जब ये वोमिटिंग होती है तो उसके कारण से एक तो मेटाबॉलिक क्या देखने को मिलता है? एल्कोसिस देखने को मिलता है, हाइपोक्लोरेमिया देखने को मिलता है, जो क्लोराइड है दोस्तों वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, वो देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है, हंगर देखने को मिलती है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है, माल न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ देखने को मिलती है। इन सब में अगर हम चारों ऑप्शन में देखें दोस्तों, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जो है वो दोस्तों वो क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए असेस करने में, ठीक है? तो लिख लो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के पेशेंट में डिहाइड्रेशन असेस करना नर्स की प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? इसको हाईलाइट कर लो, डिहाइड्रेशन को हाईलाइट कर लो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सर्जरी टू करेक्ट हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस इज परफॉर्म्ड ऑन ए 3 week old इन्फेंट। एक बच्चा है, सिर्फ कितने वीक का है? 3 week का है। आपने क्या किया इसकी सर्जरी की, ठीक है? पाइलोरोमायोटोमी सर्जरी या राम स्ट्रीट प्रोसीजर कर दिया या एंडोस्कोपिक बैलून क्या कर दिया, डायलेशन कर दिया। मैंने दो ही सर्जरी होती है, ठीक है? तो दोनों सर्जरियों में से आपने दोस्तों मान लो कोई भी सर्जरी इसमें क्या किया, परफॉर्म किए हैं। हु हैड बीन फॉर्मुलेटेड, ठीक है? इसमें थोड़ा सा ही लिखा हुआ, फॉर्मूला फीड लिख दिया, फॉर्मूला फीड है ये। हु हैड बीन फार्मूला फीड, मतलब वो क्या ले रहा था? वो जो अपना फार्मूला है दोस्तों, जो मिल्क है बाहर से ले रहा है, वो जैसा भी वो मिल्क क्या कर रहा था, ले रहा था। विच पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग ऑर्डर इज अप्रोप्रिएट, कौन सा पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग ऑर्डर जो है वो क्या होगा दोस्तों? अप्रोप्रिएट होगा। तो इसमें दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई जो पेशेंट है उसको 4 से 6 घंटे के बाद में हम ना ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट देने लग जाते हैं। 4 से 6 घंटे के बाद में ग्लूकोज और जो इलेक्ट्रोलाइट है दोस्तों वो हम क्या हो जाते हैं, देने लग जाते हैं 4 से 6 घंटे के बाद में। और 24 घंटे के बाद में जो ऐसा बच्चा पहले जो चीज़ ले रहा था दोस्तों वो चीज़ें क्या करने लग जाता है, देने लग जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें याद रखना। एक तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या याद रखना दोस्तों, कि जो बच्चा है वो सर्जरी के 4 से 6 घंटे के बाद उसको हम ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट देने लग जाते हैं वाटर में, 4 to 6 hours आफ्टर सर्जरी। जो बच्चा है उसको हम क्या देने लग जाते हैं, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर। और 24 घंटे के बाद में ही जो भी बच्चा पहले ले रहा था रेगुलर जो फॉर्मूला फीडिंग जो ले रहा था वो 24 घंटे के अंदर क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। 24 घंटे के अंदर जो रेगुलर जो भी बच्चा ले रहा था उसको क्या कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। रेगुलर फॉर्मूला जो फीडिंग है वो विद इन 24 hours स्टार्ट कर देते हैं। विद इन लिखो इसमें, आफ्टर नहीं, इसमें लिखो विद इन 24 hours। जो बच्चा पहले ले रहा था रेगुलर, वही रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग,
बच्चे को देने लग जाता है। बस ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं याद करने की। तो वही है, इसका आंसर यही होगा कि रेगुलर जो फॉर्मूला जो फीडिंग है दोस्तों, वो हम क्या होंगे बच्चे को देंगे विद इन 24 आवर्स आफ्टर। पहला जो ऑप्शन उसमें दे रखा है कि भाई आप क्या करोगे, थिकेंड फॉर्मूला दोगे 24 आवर्स आफ्टर सर्जरी। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि भाई थिकेंड फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, रेगुलर दे सकते हो विद होल्डिंग। ये भी गलत है, विद होल्डिंग फीडिंग्स फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स नहीं करते। मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 से 6 घंटे में तो हम वाटर में ग्लूकोज प्लेट्स देने लग जाते हैं और फिर 24 घंटे के अंदर रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग देने लग जाते हैं। एडिशनल ग्लूकोज फीडिंग एज डिजायर आफ्टर फर्स्ट नहीं, वो देने की जरूरत नहीं है, रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग आप दे सकते हो। तो लिख लो इसमें, लिखो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की सर्जरी के बाद, की सर्जरी के बाद बाद विद इन 24 आवर्स में, विद इन 24 आवर्स में रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर विद इन 24 आवर्स हम क्या कर देते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, करेक्टिव सर्जरी फॉर हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, हम सर्जरी कर रहे हैं किसके लिए दोस्तों, करेक्टिव सर्जरी कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस के लिए। वो क्या हो गया दोस्तों, पाइलोरोमायोटोमी कर रहे थे, पाइलोरोमायोटोमी क्या हो गया दोस्तों, कंप्लीटेड हो गई है, इट्स कंप्लीटेड। रामस्टेड प्रोसीजर भी बोलते हैं इसको हम, या पाइलोरोमायोटोमी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। एंड द इन्फेंट इज रिटर्न टू द पीडियाट्रिक यूनिट विद एन आईवी इन्फ्यूजन प्लस। अब बच्चा है दोस्तों, उसको कुछ समय के लिए मान लो एन पी रखा जा रहा है, मैंने आपको बताया है, तो उसमें क्या होगा, उसके कैनुला लगा हुआ है बच्चे के, वॉट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। अब बताओ इसमें क्या प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन होगा। इस क्वेश्चन में आप सोचोगे कि यार इसका आंसर क्या आएगा, तो इसमें पहला दे रखा है भाई अप्लाई क्या करेंगे हम, एडिक्वेट रिस्ट्रेंट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो रिस्ट्रेंट की दोस्तों सर्जरी में यहाँ पर जरूरत नहीं है, क्लेफ्ट लिप क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी में बच्चा जो है वो खुद को क्या कर सकता है, इंजर कर सकता है। तो इसके कारण से हम वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों, रिस्ट्रेंट का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिस्ट्रेंट का यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। तो नो नीड, रिस्ट्रेंट का यूज करने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, नो नीड। सेकेंड क्या दे रखा है दोस्तों, एडमिनिस्टर ए माइल्ड सेडेटिव। तो सेडेटिव यहाँ पर हम यूज नहीं करते हैं, तो ये हमारी प्रायोरिटी नहीं होगी। प्रायोरिटी क्या है दोस्तों, कि बच्चा जो है ना वो डिहाइड्रेशन में जा सकता है, क्योंकि बच्चा कोई भी फ्लूड नहीं ले रहा, मिल्क नहीं ले रहा, सर्जरी के बाद आया है, सर्जरी के दौरान भी नहीं ले रहा, तो उसे बच्चा डिहाइड्रेशन में जा सकता है। तो हम जो भाई आईवी जो साइड जो कैनूल लगाया वो सही तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा वो देखेंगे। तो कहीं आईवी साइड हम सोच रहे हैं फ्लूड चल रहा है, लेकिन वो फ्लूड क्या हो रहा है दोस्तों, इनफिल्ट्रेट हो रहा है। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी भाई, आईवी फ्लूड को असेस करना हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रायोरिटी हो जाएगी। तो हम असेस करेंगे आईवी साइट और इनफिल्ट्रेशन क्या करेंगे दोस्तों, हम असेस करेंगे। फोर्थ जो ऑप्शन है उसको क्या कह रहा है कि अटैच द नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब टू वॉल सफरम। तो ऐसा करने की कोई वो नहीं है, ये भी प्रायोरिटी नहीं है। तो बाकी के जो दूसरा और जो फोर्थ है दोस्तों, उसमें ये प्रायोरिटीज नहीं है, नॉट प्रायोरिटी, बस इतना लिख लो। और इसमें लिख लो नो नीड, यहाँ पर कोई नीड नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, असेस द आईवी साइट फॉर इनफिल्ट्रेशन। तो लिखो लिखो HPS करेक्टिव सर्जरी के बाद, करेक्टिव सर्जरी के बाद जब इन्फेंट पीड्स वार्ड में, सिंपल वर्ड में लिखो, बच्चों के वार्ड में वापस आए तो आईवी साइट इनफिल्ट्रेशन, एक्चुअली तो हम आईवी फ्लूड को असेस कर रहे हैं, लेकिन वो आईवी फ्लूड जाएगा कब, जब आईवी साइट इनफिल्ट्रेशन नहीं होगी। तो आईवी साइट इनफिल्ट्रेशन को असेस करते हैं। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लो। हाईलाइट से क्या होगा कि जब आप दोबारा से रिवाइज करोगे ना, तो आपको बहुत सिंपल लगेगा कोई भी चीज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों, एन इन्फेंट हैड करेक्टिव सर्जरी फॉर हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। इन्फेंट है दोस्तों, उसको कौन सी सर्जरी हुई है, हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस की करेक्टिव सर्जरी हुई है। पाइलोरोमायोटोमी हो गई, रामस्टेड प्रोसीजर हो गया, या फिर एंडोस्कोपिक बैलून डायलेशन हो गया, कोई सी सर्जरी हो गई। व्हाट शुड द नर्स टीच ए पेरेंट टू डू इमीडिएटली आफ्टर फीडिंग टू लिमिट वोमिटिंग। बताओ क्या करना चाहिए दोस्तों, भाई सिंपल सी बात तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाई ये करना चाहिए कि जो बच्चा है ना वो अब बिल्कुल सीधा होना चाहिए ऐसे, ठीक है, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे रहना चाहिए, या बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे को अगर आप लेटाओगे
तो आगे क्या है, ब्लॉकेज है, और जब ब्लॉकेज रहेगा तो वोमिटिंग के जो चांसेस होंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वोमिटिंग चांसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और उन चांसेस को आपको क्या करना है दोस्तों, कम करना है। वोमिटिंग के चांसेस को आपको क्या करना है, कम करना है। तो वो चीज़ें करनी है। तो पहला दे रखा है रोक द इन्फेंट। रोक द इन्फेंट का मतलब होता है बच्चे को खिलाना, गोदी में लेके आप ऐसे 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 करते हो तो दोस्तों जो फ्लूड है वो ऐसे करके वापस चला जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगा, सीधा वापस चला जाएगा। तो उसको रोकना है। तो रोक इन्फेंट नहीं करते, बच्चे को हिलाते नहीं है, ऐसे खिलाते हैं ना अपन ऐसे गोदी में लेके ऐसे, तो ये नहीं करते हैं। प्लेस द इन्फेंट फ्लैट ऑन द राइट साइड। राइट साइड में जब करते हैं ना दोस्तों, तो जो डायरेक्शन जो होता है ना वो ऐसा हो जाता है कि जो कंटेंट है उनका एस्पिरेशन के जो चांसेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। जब इसलिए तो हम लेफ्ट पोजीशन लेते हैं ज़्यादा, राइट नहीं देते हैं कभी भी बच्चे को। जब सीजर आते हैं तो हम लेफ्ट देते हैं क्योंकि राइट साइड में एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एस्पिरेशन के जो चांसेस होते हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए राइट साइड में पोजीशन नहीं देते। नेक्स्ट में फ्लैट वगैरह रखा है तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। कीप द इन्फेंट अवेक विद सेंसरी स्टिमुलेशन। दोस्तों ये माना जाता है, ये इसलिए नहीं आएगा कि ये लिखा हुआ है भाई वोमिटिंग जो है ना, जब बच्चा अवेक होता है ना उस समय उसके जो स्टिमुलेशन है वो ज़्यादा होता है और वोमिटिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। जब बच्चा सोता रहता है ना, ज़्यादातर स्लीपिंग कंडीशन में रहता है दोस्तों, तो क्या होते हैं, कम चांसेस होते हैं। इसलिए हम इन्फेंट को अवेक करवाने का कोई जरूरत हमें नहीं है कि बार बार हम स्टिमुलेशन देकर उसको जगाते रहें, उससे वोमिटिंग के चांसेस क्या होंगे दोस्तों, और बढ़ेंगे। एस्पिरेशन के तो चलो बढ़े ना बढ़े, लेकिन वोमिटिंग के चांसेस बढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन में यही करना है कि भाई वोमिटिंग को क्या करना है, लिमिट करना है। अब वोमिटिंग को अगर आपको लिमिट करना है दोस्तों तो आप ऐसा नहीं करोगे। अब कोई नहीं बचा, वो जो बचा वो हमारा आंसर बचा, प्लेस द इन्फेंट इन इन्फेंट सीट। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब हो गया कि भाई कैसा आंसर है कि इन्फेंट सीट पर रखेंगे। इन्फेंट सीट मतलब बच्चे को ऐसे गोदी में रख के और जो चारों तरफ से ऐसे वो कर देते हैं ना कि भाई बच्चा सीधा रहे, ऐसे ऐसे गिरे नहीं, ऐसे नहीं, तो वो इन्फेंट सीट। या अपराइट पोजिशन भी लिख सकता है वो, बच्चे को सीधा रखना है हमें ऐसे, ठीक है, जैसे वोमिटिंग के चांसेस क्या हो जाए दोस्तों, कम हो जाए। तो प्लेस द इन्फेंट इन इन्फेंट सीट का मतलब यही होता है कि इससे वो बच्चा जब सीधा रहेगा तो जो बैक फ्लो है दोस्तों उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्रोजेक्टाइल नॉन वायलेंस वोमिटिंग इज प्रेजेंट, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट होता है। डिहाइड्रेशन प्रेजेंट होता है। हंगर एंड इरिटेशन प्रेजेंट होती है। माल न्यूट्रिशन जो है दोस्तों वो प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंसेस क्या होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको हाइपोट्रोपिक पैलेटोस्टोमिसिस में क्या होता है देखने को मिलता है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसमें लिख लो, लिखो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस से की सर्जरी के बाद, की सर्जरी के बाद वोमिटिंग को लिमिट करने के लिए, वोमिटिंग को लिमिट करने के लिए बच्चे को इन्फेंट सीट पर प्लेस करते हैं। इन्फेंट सीट पर पीएल आएगा, पीएपीएल आएगा, वो तो महल होता है ना, पीए पर प्लेस करते हैं। सर्जरी के बाद वोमिटिंग को लिमिट करने के लिए बच्चे को हम इन्फेंट सीट पर क्या करते हैं दोस्तों, प्लेस करते हैं, ठीक है। चलो ये और देख लो ये क्वेश्चन, फिर कल पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि ए न्यू बोर्न विद एन एनोरेक्टल एनोमली, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों एनस और रेक्टल से रिलेटेड क्या है दोस्तों, उसकी एबनॉर्मलिटी है और उसकी सर्जरी हुई है किस, कौन सी एनोप्लास्टी, मतलब उसको हमने सही कर दिया। जो भी एबनॉर्मलिटी थी दोस्तों एनस और रेक्टम से रिलेटेड कोई भी एनोमली थी उसको हमने क्या कर दिया, करेक्ट कर दिया। एट द 2 week फॉलो अप विजिट, 2 week के पर फॉलो अप क्या किया गया, वापस से वो आया बच्चा, ए सीरीज ऑफ एनाल डायलेशन आर बिगेन, ठीक है। मतलब क्या करते हैं भाई, मान लो कि कोई भी स्टेनोसिस हो रखा होगा तो एनाल डायलेशन क्या करते हैं हम, परफॉर्म करते हैं। वॉट शुड द नर्स रिकमेंड टू द पेरेंट्स टू हेल्प प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम बिकमिंग कॉन्स्टिपेटेड। मतलब इतना छोटा बच्चा है दोस्तों, अगर आपको उसमें कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना होगा भाई, सुपीरियर न्यूट्रिशन से बड़ा कोई न्यूट्रिशन नहीं है। और बच्चा है सिर्फ, मतलब बहुत छोटा बच्चा है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है और ब्रेस्ट फीडिंग इज सुपीरियर न्यूट्रिशन। और ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं दोस्तों जो क्या नहीं होने देते, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देते। और हमें बच्चे के अंदर करना भी क्या है, प्रिवेंट द इन्फेंट फ्रॉम बिकमिंग कॉन्स्टिपेटेड। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, अगर पॉसिबल है कि मदर अगर बच्चे को क्या करवा सकती है, ब्रेस्ट फीड करवा सकती है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज के अंदर तो कम वो होते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग, इसलिए लिखा हुआ है पॉसिबल। इंडिया में तो ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करवाते हैं और बॉटल फीडिंग कम करवाते हैं, बट वहाँ उल्टा है। तो ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए इफ पॉसिबल। यूज ए सोय फॉर्मूला, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई आप सोयाबीन वाला फॉर्मूला देने की जरूरत यहाँ पर है नहीं, एड क्योंकि उसको कोई लैक्टोज से प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, तो ये चीज़ें जरूरत नहीं है। सपोजिटरी और ग्लूकोज वाटर बिटवीन फीडिंग्स की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है, इनकी कोई नीड ही नहीं है, नो नीड।
और इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला है। सपोजिटरी से फर्क पड़ सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सीधा ही भाई बड़ी चीज पे जाओगे। आप क्या करोगे, बेसिक से स्टार्ट करते हो हर चीज को। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रेस्ट फीड करवाने के लिए क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर आएगा, हो सकता है कि सपोजिटरी तो आपको पता है काम करती है, बट हर बार सपोजिटरी थोड़ी दोगे, बच्चे को आप आदत थोड़ी डालोगे। तो पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, ब्रेस्ट फीड करवाओगे। अगर उससे हो जाता है तो ठीक है, फिर आगे जो डॉक्टर जो प्रेस्क्राइब करता है अगर सपोजिटरी, तो हम बच्चे को क्या करेंगे दोस्तों, सपोजिटरी लगाएंगे, लेकिन वैसे नहीं देंगे। तो राइट आंसर क्या होगा, ब्रेस्ट फीड करेंगे इफ पॉसिबल। तो लिखो, इसमें लिखो, एनोप्लास्टी सर्जरी के बाद, एनोप्लास्टी सर्जरी के बाद कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को इन्फेंट को ब्रेस्ट फीड करवाने की सलाह दी जाती है। ब्रेस्ट फीड करवाने क्या देते हैं, हम सलाह देते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये मैं आपको कल कई सारी चीजें पढ़ाऊंगा, मैं फिनाइलकेटोन यूरिया भी पढ़ा दूंगा, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा मेंटल रिटार्डेशन के बारे में भी बताऊंगा, इसेंशियल जो अमीनो एसिड उनके बारे में बताऊंगा। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो कल की क्लास में ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो एक बार हम क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, कोई भी सर्जरी हो, कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करना है, तो बच्चे के अंदर ब्रेस्ट फीड को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है दोस्तों कि हाइपरट्रोफिक पाइलोकिस्टेनोसिस की अगर सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद में अगर हमें जो बच्चा है उसको वोमिटिंग को लिमिट करना है, वोमिटिंग नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, बच्चे को इन्फेंट सीट पर क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, इन्फेंट सीट पर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि कोई भी बच्चा है एचपीएस की सर्जरी से आया, तो ये हमारी प्रायोरिटी है कि हम आई वी साइड को क्या करें, चेक करें कि किसी प्रकार का इनफिल्ट्रेशन तो वहाँ पे नहीं हो रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि सर्जरी के 24 घंटे के अंदर अंदर रेगुलर फॉर्मूला फीडिंग क्या कर दी जाती है, स्टार्ट कर दी जाती है विद इन 24 आवर्स। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि बच्चे के अंदर अगर हाइपरट्रोफिक पाइलोस्टेनोसिस है, तो हम एक नर्स की ये प्रायोरिटी है कि वो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन को क्या करें दोस्तों, असेस करें, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन को क्या करें, असेस करें। और लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा, जो हमारा पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का, वो था कि हाइपरट्रोफिक पाइलोस्टेनोसिस में दो चीज़ें जरूर याद रखनी है आपको, एक ओलिव साइज मास दिखाई देगा राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर, एक नॉन वायलेंस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग क्या होती है दोस्तों, प्रेजेंट होती है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है हाइपरट्रोफिक पाइलोस्टेनोसिस को, जो बार बार हजारों बार क्या होते हैं दोस्तों, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा कि भाई क्या होता है हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। आने वाली जो क्लासेज है वो बहुत इंटरेस्टेड है, आने वाली 3-4 जो क्लासेज हैं दोस्तों, उनमें जैसे फिनाइलकेटोन यूरिया के बारे में पढ़ेंगे हम, एक डिहाइड्रेशन है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, डिहाइड्रेशन में है ना पूरा पढ़ेंगे हम, क्या होता है डिहाइड्रेशन, ट्रीटमेंट प्लान ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है, डिहाइड्रेशन जो टाइप है दोस्तों वो पढ़ेंगे भाई, ठीक है, आइसोनेट्रेमी क्या होता है, हाइपोनेट्रेमी क्या होता है, हाइपरनेट्रेमी क्या होता है, ORS क्या होता है, जो ओल्ड लो ऑस्मोलरिटी ORS क्या होता है आपको, इसका अलावा जो, ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं तो पढ़ने की अनाप शनाप, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं किसके अंदर, डिहाइड्रेशन के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा फिर वापस से कॉन्जिनाइटल जो हार्ट जो डिजीज है दोस्तों, उसमें भी वापस से आएंगे, उसके जो क्वेश्चन हैं उनको भी हम क्या करेंगे, वापस से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।